गाइस अब हम इसको इस तरीके से गर्म करके डाल रहे हैं और आप देख सकते हो कि जो पहले हमने भुने थे जो इनको हम इस तरीके से छान के जब है वो नीचे निकल जाए इसमें कर देंगे तो इन जगहों को भूनने का तरीका ये होता है इस तरीके से कढ़ाई ऊपर नीचे जब को पलटा जाता है ताकि ये जले ना खाने का हो अगर हम इससे इस तरीके से करते हैं तो जवे टूटने का डर भी रहता है और एकदम सारे पलट देने हैं तो हमें इन जवों को गोल्डन ब्राउन कलर के करने हैं सुनहरे रंग के जो अच्छे तरीके से भून गए हैं देखिए आप इन जवों को भूनने के बाद ठंडा करना पड़ता है उसके बाद ही हम इसको किसी डिब्बे में रख के स्टोर करते हैं ता फिर हमें एक साल तक इनको या दो साल तक जितना समय भी चाहे